हेलो गाइज वेलकम टू माय माईट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो कि यह नाउन का पार्ट नंबर सेवन होने वाला है पार्ट सिक्स तक करवा दिए थे सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन तक अब स्टार्ट होगा सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन से लेकर के नाइनटी नंबर क्वेश्चन तक ठीक है ना सतहत्तर से नब्बे नंबर क्वेश्चन तक यह क्वेश्चन करवाई जाएगी इस वीडियो में तो इस वीडियो में बना रहिएगा लास्ट तक देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि अब पार्ट सेवन आ गया है तो लेवल तो कुछ अच्छा रहेगा ही कुछ का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा लेवल ठीक है ना तो आप देख सकते हैं पहले हमने जो भी करवाया वो इन द बिलेंगस वाला क्वेश्चन था अब यह डायरेक्ट ईर वाला क्वेश्चन है अगर जहाँ पे गलत लगता है उसी पार्ट में आप टिक मारिएगा ठीक है अगर यहाँ गलत लगता है तो ये पार्ट में टिक मारिएगा अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक गलत लगता है तो बी पार्ट में टिक मारिएगा और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक गलत लगता है तो आप सी पार्ट में टिक को मारिएगा और यदि आपको गलत नहीं लगता है तो फिर नान नो ईयर ना में टिक मारिएगा मतलब कोई त्रुटि नहीं है कोई गलती नहीं है ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेवेंटी सेवन सत्तर नंबर क्वेश्चन ठीक है ना आप ऐसा वीडियो देखकर भाग मत जाइएगा किसे यह बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करवाई जा रही है क्योंकि यह पार्ट सेवन हो रहा है अगर आपको लो क्वेश्चन करना है तो जाकर के पार्ट वन देखिए या पार्ट टू देखिए ठीक है ना या पार्ट थ्री देखिए या आपका धीरे 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 आपका लो है और उसके बाद लेवल बढ़ता जा रहा है फोर फाइव सिक्स से यहाँ सेवन तक आ गया है देखिए क्वेश्चन दे आर वास्ट नो मनी इन द बैंक मतलब बैंक में कोई कुछ पैसा नहीं है मतलब पैसा है ये नहीं है कोई पैसा नहीं है बैंक में इन धनंजय एंड मृत्युजय ज्वाइंट अकाउंट तो ज्वाइंट अकाउंट है मित्र तो धनंजय और मिंथुजय का एक ही है ना कि अलग अलग है नहीं एक ही है ज्वाइंट अकाउंट इसलिए का प्रयोग अलग अलग नहीं किया जाएगा ठीक है ये जो है पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि धनंजय एंड मृत्युजयस ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रहेगा कोई दिक्कत नहीं है मतलब सी पार्ट में इरर था ठीक है ना किस पार्ट में इरर था सी पार्ट में इरर था ठीक है अगर अलग अलग अकाउंट रहता तो फिर दोनों में पोस्ट ऑफिस लगता लेकिन एक ही ज्वाइंट अकाउंट है तो फिर एक ही में पोस्ट ऑफिस लगेगा ठीक है ना अगर पजेशन अगर सेपरेट हो मतलब अलग अलग तो दोनों में लगेगा और अगर पोजेशन अगर ज्वाइंट हो तो फिर एक ही में पोस्ट ऑफिस लगेगा अंत वाला में ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन कौ� नंबर सेवेंटी एट को देख लीजिए क्वेश्चन देयर आर अवेटिंग एडवाइसेज फ्रॉम दर दिल्ली ब्रांच नो क्या होगा दे आर अवेटिंग एडवाइसेज एडवाइसेज आप जानते हैं मित्रों कि एडवाइसेज नहीं होता है एडवाइस मतलब सलाह देना होता है ठीक है ना? तो एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह देना होता है ठीक है तो एडवाइस होता है सलाह और एडवाइज मैंने सलाह देना एडवाइस मतलब सलाह और एडवाइज मतलब सलाह देना तो एडवाइसेज नहीं होता है इसलिए बी ऑप्शन में गलत है तो क्या हो जाएगा इसमें से ए हट जाएगा और इसके जगह पर क्या हो जाएगा एडवाइस हो जाएगा एड हो ए सो नहीं लगा रहेगा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है इसलिए एडवाइस होगा ठीक है ना समझ गया ना बात के फ्रॉम दियर दिल्ली ब्रांच ठीक है अगला नंबर क्वेश्चन देखिए अभी बताइए कि जो सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन है थाउजेंड ऑफ रूप वे आर स्पेंड बाई हिम तो हजारों रुपये तो हजारों रुपये आप जानवे करते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर में रहता है तो यह थाउजेंड्स होता है थाउजेंड्स रहे चाहे लैक्स रहे चाहे हंड्रेड्स रहे इसमें पोर्टल लग करके आता है ठीक है ना अगर इधर नुमरल कोई नहीं रहे फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं रहे तो यहाँ पेश लगा हुआ रहेगा अगर फोर फाइव फोर थाउजेंड थ्री थाउजेंड रहे तो यहाँ पेश नहीं लगती है ठीक है ऑफ रुपीज वे आर स्पेंड बाय आप देख सकते तो हैं मित्र कि थाउजेंड्स पोर्ल हो गया है अब ठीक है ना तो भार भी क्या लाएगा पोर्डर मतलब क्या हो जाएगा ये तो सही है मतलब ए पार्ट में इर था ए पार्ट में क्या था था क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए लिंग्वेस्ट एक एजा स्टडी ऑफ लैंग्वेज नो क्या हो सकता है तो आप जानते हैं कि मित्र के लिंग्विस्टिक नहीं होता है लिंग्विस्टिक्स होता है क्या होता है लिंग्विस्टिक्स होता, होता है ठीक है ना लिंग्विस्टिक्स होता है तो इसलिए ए पार्ट में ही इन नज़र आ रहा है किस पार्ट में है ए पार्ट में ही गलत है ठीक है ना लिंग्विस्टिक्स होगा लिंग्विस्टिक नहीं होगा और लिंग्विस्टिक्स होता है और यह सिंगुलर होता है नाम इसलिए क्या हो जाएगा भर्व सिंगुलर लाएगा ठीक है ना क्या लाएगा सिंग्णलर. क्योंकि विषय का नाम है तो इसलिए सिंगुलर होगा और ये भी क्या होगा सिंगुलर भर्व लाएगा तो ए ऑप्शन राइट होगा जिसमें था तो अगला क्वेश्चन देखिए द मशीनरी आर नॉट मन फंक्शनिंग डेज तो मशीनरी जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो भर भी सिंगुलर लगना चाहिए ना तो का है लगल है मतलब ये ऑप्शन में गलत है यार नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए होना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ तो सक्सेस इन मनी मेकिंग ठीक है ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है इट्स नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ए गुड क्राइटेरिया है ना तो ए है एक ही की बात है ना तो पोल का है दिया है क्राइटेरिया नहीं होगा क्या होगा क्राइटेरियन होगा क्राइटेरी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया पोल होता है तो ए की बात हो रहा है तो सिंगुलर ही होगा ना इसलिए क्या होगा सी पार्ट में इर था ठीक है ना बता दिए कि क्या होगा अगला क्वेश्चन देख लीजिए सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए तिरासी क्वेश्चन उसके बाद हम बनाते हैं बताते हैं तब क्वेश्चन हम बताना शुरू करते हैं द विडो जानते हैं कि विधवा होता है और विडोर मतलब विदोर होता है ठीक है ना जब किसी के पति मर जाता है तो विडो हो जाते हैं औरत और अगर किसी की पत्नी मर जाते हैं तो विडोर हो जाता है पुरुष होले एफ नियर हिज हाउस जब विधवा विधवा वही विधवा जो उसके घर के नज़दीक रहती है एज पासिंग थ्रू मैनी क्राइसिस वो बहुत तरह के समस्याओं से संकटों से गुजर रही है ठीक है ना? तो क्राइसिस मैनी क्राइसिस नहीं होता है क्राइसिस मैनी मतलब बहुत सारा ना, तो क्राइसिस सिंगुलर है तो इसको पोलर करना पड़ेगा ना क्राइसिस होता है ठीक है ना सी आर आई ए सी एस क्राइसिस is बदल जाता है es में तो plural हो जाता है ठीक है तो many क्राइसिस होगा मतलब c ऑप्शन राइट होगा यही मेरा था ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है दीपक हैज फोर मेन सर्वेंट्स तो दीपक हैज फोर मेन सर्वेंट्स जो है जो मेन सर्वेंट्स है तो आप जानते हैं मित्र के फोर है ना कितने हैं फोर है फोर मतलब चार मतलब तो पोर्डल की बात हो रही है तो मैन सर्वेंट का पोर्डल होता है मेन सर्वेंट क्या होता है मेन सर्वेंट एम ई एन और एस ई आर वी एन टी एस ठीक है ना मेन सर्वेंट्स होता है तो क्योंकि मैन और ओमेन वाला जो नाउन होता है जो कंपाउंड नाउन होता है वह उसमें दोनों में चेंजिंग होता है ठीक है ना दोनों जो वर्ड होता है जो दोनों जो वर्ड होता है उसको हम पोर्डल करते हैं ठीक है ना दोनों में पोर्डल होता है लोक हैज कोट ओनली ये सब चीज तो है ही यही क्वेश्चन का है तो एटी फोर नंबर क्वेश्चन हो गया अब एटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए राखी मेट में ऑन द वे एंड आस्ट ए वन हंड्रेड रुपीज नोट राखी मुझसे मिली ऑन द वे रास्ते में अंडास को पूछी कि वन हंड्रेड रुपीज नोट की एक न पूछी एक सौ रुपये नोट के बारे में ठीक है ना तो वन हंड्रेड रुपीज नोट तो नोट नाउन है तो इससे पहले जो आया है तो एडजेक्टिव होगा ये सब तो ये पोर्टल होगा कभी नहीं तो जब पोल होगा नहीं तो ये पोल करके कहा दे रखा है मतलब यहीं पे ईरल है ना तो सी ऑप्शन ही है यहाँ पे क्या होना चाहिए था रूपी होना चाहिए क्या होना चाहिए रुपी। रुपीज नहीं ठीक है अब देखिए नंबर क्वेश्चन हमने एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया एट्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए एट्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाई क्राउड ऑफ हैंगर ऑन तो आप जानते हैं मित्र की जो महान जो कलाकार है वह घिरा हुआ है बाय हिज यूजल वह सामान्यतः भीड़ से ऑफ हैंगर ऑन भूखड़ो के भीड़ से तो हैंगर ऑन नहीं ठीक है ना हैंगर ऑन नहीं बल्कि होना चाहिए हैंगर्स ऑन क्या होना चाहिए हैंगर ऑन नहीं बल्कि हैंगर्स ऑन होना चाहिए समझ गया ना हैंग मटेरला फांसीदानी या लटकाना आप जानवे करते हैं कि होता है तो ये दो टर्म वाला जो होता है इसमें से जो मेन वर्ड होता है उसमें हम पोलर बनाते हैं तो हैंगर ऑन के जगह पर क्या होगा मित्र सी ऑप्शन में गलत हो जाएगा तो हैंगर से ऑन हो जाएगा मतलब ये यहाँ लग जाएगा और यहाँ ये, ये कट जाएगा ठीक है आगे देखिए एटी सेवन नंबर क्वेश्चन हंड्रेड्स ऑफ पासर यहीं पर गलत हो गया हंड्रेड सॉफ यहाँ तो ठीक है इस लगा के दिया है लेकिन पासर बाई के पोर्टल होता है पासर्स बाई होता है बाई में से नहीं लगता है मेन में नहीं लगेगा तो इसमें इस लगेगा तो पासर्स बाई हो जाएगा स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट ठीक है ना द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट आगे देखो माई पेरेंट्स अब मैनी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिस्टेक कर गया है आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल सिंगलर नाउन है तो इसमें एस इस तो लगेगा नहीं और अनकाउंटेबल सिंगलर नाउन है तो मैनी के जगह पर मच का प्रयोग करेंगे तो बेहतर होगा तो ठीक है ना मच इन्फॉर्मेशन मतलब बी पार्ट में इत था अगला क्वेश्चन देखिए द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग तो जेंट्री जो है से पोल काउंटेबल नाउन है क्या है ये पोर्टल है और ऑफ प्रिपोजिशन है ऑफ प्रिपोजिशन के बाद ही तो ऑब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट तो जेंट्री रहा तो जेंट्री पोर्टल है तो भर्व क्या लगेगा पोर्टल तो वाच के जगह पे क्या होना चाहिए वेयर होना चाहिए ठीक है ना वाच के जगह पर वेयर होना चाहिए तो इस तरह से हमने नहीं ना नाइन हो गया अब एक और क्वेश्चन बच रहा है नाइनटी नंबर आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग दैट आई लाइक मैं सुन रहा हूँ कुछ पुराने गाने दैट आई लाइक जिसे मैं पसंद करता हूँ तो सम ओल्ड सॉन्ग्स है तो मतलब एक से ज़्यादा गाना सुन रहे हैं ना तो यहाँ पे पोल होगा मतलब बी ऑप्शन में क्या होगा राइट यानी सॉन्ग्स हो जाएगा ठीक है ना ये सो लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने ये नाइन्टी नंबर क्वेश्चन तक तो करवा दिए अगर वीडियो अगर पसंद आता है ये जो क्वालिटी कंटेंट है अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ठीक है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ठीक थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो